मोटा समाचार सामे आवी रह्या छे। सूरत में भाजपना उम्मीदवार ने निर्विरोध जीत जेवी बनती घटना मामले मोटा समाचार आव्या छे। आवी स्थिति थी बचवा माटे नोटा ने उम्मीदवार मानवानी अने निर्विरोध चूंटणी थवानी रोकवा वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में करवामां आवी छे। जी हाँ, जेना पर सर्वोच्च अदालते चूंटणी पंच पासेथी जवाब मांग्यो छे। मोटी नेशनल स्पीकर शिव खेराए सुप्रीम कोर्ट में जाहिर हित की अरजी दाखिल करी छे, जेमां मांग करवामां आवी छे कि नोटा ने उम्मीदवार मानवामां आवे अने नोटा नी सामेना उम्मीदवार करता वधु वोट मळे तो त्यां फरीथी चूंटणी करवामां आवे तेवी अरजी करवामां आवी। आ सुनावणी दरमियान सूरतनो उल्लेख करवामां आव्यो छे। वकीले कह्युं कि जो त्यां आवी व्यवस्था होत तो निर्विरोध चूंटणी जीतवानी नौबत न आवी होत। तो आ मोटा समाचार सामे आवी रह्या छे। लोकसभा चूंटणी दरमियान सूरत में जे रीते निर्विरोध जीतनो मामलो सामे आव्यो हतो, आज मामलाने पड़कारती एक अरजी सुप्रीम कोर्ट में करवामां आवी छे, जेथी आ प्रकारनी परिस्थिति अन्य कोई बैठक पर उभी न थाय। निर्विरोध जीतथी बचवा माटे नोटा ने उम्मीदवार मानवानी अरजी करवामां आवी छे। मोटिवेशनल स्पीकर द्वारा आ अरजी लोकशाहीना हितने ध्यानमां राखीने करवामां आवी छे। निर्विरोध जीतथी बचाववा माटे नोटा ने पण उम्मीदवार मानवामां आवे अने चूंटणी दरमियान जो नोटामां वधु वोट पड़े छे तो फरीथी चूंटणीनुं आयोजन करी शकाय तेवुं सूचन तेवी रजूआत पण पोतानी अरजीमां शिव खेरा द्वारा करवामां आवी छे। आपने जणावी दईए शिव खेरा के जेओ मोटिवेशनल स्पीकर छे अने तेमणे सूरतमां जे प्रकारनी परिस्थिति उद्भवी हती અને નિર્વિરોધ ચૂંટણી નિર્વિરોધ જીતનો મામલો સામે આવ્યો, જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર નિર્વિરોધ રીતે જીતી ગયા છે। જો કે આ મામલો ફરી એકવાર ન બને તે માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે। અને આ જ વિશે વધુ માહિતી સાથે અરવિંદ સિંહ દિલ્હીથી અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। અરવિંદ, સુરત મેં लोकसभा इलेक्शन को लेकर जिस तरह से मामला पूरा सामने आया था, जब भारतीय जनता पार्टी की जीत इलेक्शन से पहले ही हो गई, इस प्रकार की परिस्थिति फिर से संभवित न बने इसलिए अर्जी की गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ अर्जी में उल्लेख किया गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई है उसमें सूरत की घटना का हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि इस तरह की स्थिति दोबारा न बने इसके लिए जरूरी है कि नोटा को भी एक उम्मीदवार की तरह से ट्रीट किया जाए और निर्विरोध चुनाव ना हो इससे रोके जाने को लेकर यह जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि अगर चुनाव होता है और नोटा को किसी प्रत्याशी के मुकाबले ज्यादा वोट मिलते हैं तो ऐसे सूरत में उस जगह पर फिर से चुनाव होने चाहिए, यानी नोटा को भी एक प्रत्याशी के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए। और याचिकाकर्ता की तरफ से सूरत की घटना का भी हवाला दिया गया, कहा गया कि सूरत में जिस तरीके से बाकी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन को वापस ले लिया और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको वहां पर निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया, तो इसके पीछे वजह यह थी कि जो व्यवस्था की जो मांग की गई है याचिका में वैसी व्यवस्था अभी मौजूद नहीं है और अगर नोटा को भी एक उम्मीदवार के तरीके से ट्रीट किया जाए तो ऐसी सूरत में फिर वहां पर निर्विरोध चुनाव की स्थिति नहीं पैदा होती और चुनाव होते और उसके बाद ये तय होता कि क्या जिस उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया है क्या उसको विजयी घोषित किया जाना चाहिए नहीं। यानी याचिका में ये मांग है कि जब चुनाव हो और नोटा में अगर ज्यादा वोट डले किसी प्रत्याशी के मुकाबले तो ऐसी सूरत में उस जगह पर उस चुनाव को रद्द कर देना चाहिए और नए सिरे से चुनाव होने चाहिए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, उनसे जवाब मांगा है। बिल्कुल, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया अरविंद। तो अर्जी सुनावी दरमियान हाल तो सूरत उल्लेख कर हाल तो सुप्रीम कोर्टे चूंटी पंच ने नोटिस आपी छे, जवाब मांगियो छे। शिव खेरा के जो मोटिवेशनल स्पीकर छे तेमना द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आ जाहिर हित की अरजी करती, लोकशाही ने वधु मजबूत बनावा माटे नोटा ने पण उम्मीदवार मानवामां आवे अने जो तमाम उम्मीदवार पोतानी उम्मीदवारी परत खेंची लेछे